नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बेस्टोजाइम सिरप का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, बेस्टोजाइम सिरप को कैसे लेना चाहिए और बेस्टोजाइम सिरप की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि बेस्टोजाइम सिरप को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में बेस्टोजाइम सिरप को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। बेस्टोजाइम सिरप के अंदर सिंथेटिक डाइजेस्टिव एंजाइम मौजूद होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम हमारे शरीर में भोजन को पचाने के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। हमारा शरीर भोजन को अच्छी तरह से पचाने के लिए अमाइलेज और लाइपेज जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम उत्पन्न करता है, परंतु जब किसी कारणवश हमारा शरीर पर्याप्त मात्रा में डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं बना पाता है, तब डॉक्टर लिक्विड सिरप की फोरम में सिंथेटिक डाइजेस्टिव एंजाइम लेने की सलाह दे सकता है। बेस्टोजाइम सिरप शरीर के पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है और कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को शरीर में अच्छी तरह से पचाने में मदद करती है। इसके अलावा बेस्टोजाइम सिरप भूख को भी बढ़ाने में मदद करती है, और जिन व्यक्तियों को पेट भरा भरा हुआ महसूस होता है उन व्यक्तियों के लिए भी बेस्टोजाइम सिरप बहुत ही फायदेमंद होती है। बेस्टोजाइम सिरप का उपयोग पैंक्रियाज के रोगों में, कई प्रकार के पेट के रोगों में, पेट में गैस बनने पर, बदहजमी होने पर, भूख बढ़ाने के लिए, और जिन व्यक्तियों को सीने में जलन रहने की समस्या रहती है उन व्यक्तियों को भी डॉक्टर बेस्टोजाइम सिरप को लेने की सलाह दे सकते हैं, क्योंकि बेस्टोजाइम सिरप पाचन तंत्र को मजबूत बनाकर पेट में गैस बनने की समस्या को कम करती है। कुछ व्यक्ति पूछते हैं कि क्या बेस्टोजाइम सिरप वजन को बढ़ाती है या नहीं। देखिए, बेस्टोजाइम सिरप सीधे तौर पर वजन को नहीं बढ़ाती है। बेस्टोजाइम सिरप केवल आपकी भूख को बढ़ाकर और पाचन तंत्र को मजबूत बनाकर वजन को बढ़ाने में मदद कर सकती है, लेकिन बेस्टोजाइम सिरप सीधे तौर पर वजन को नहीं बढ़ाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि बेस्टोजाइम सिरप को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। बेस्टोजाइम सिरप को खाना खाने के तुरंत बाद लेना रेकमेंडेड होता है। आमतौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर बेस्टोजाइम 5 मिलीलीटर सिरप को दिन में 2 बार लेने की सलाह देते हैं, और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बेस्टोजाइम 2.5 मिलीलीटर सिरप को दिन में 2 बार लेने की सलाह देते हैं। बेस्टोजाइम सिरप की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको बेस्टोजाइम सिरप को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना बेस्टोजाइम सिरप को नहीं लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि बेस्टोजाइम सिरप की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में बेस्टोजाइम सिरप की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में बेस्टोजाइम सिरप की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, त्वचा पर रैशेस, दस्त और कब्ज की समस्या हो सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि बेस्टोजाइम सिरप को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में बेस्टोजाइम सिरप को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। ज्यादा खुराक में बेस्टोजाइम सिरप को लेने से गंभीर स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो सकती है, इसलिए बेस्टोजाइम सिरप को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक में लेना चाहिए। लिवर और किडनी की कोई बीमारी होने पर बेस्टोजाइम सिरप की खुराक घटानी पड़ सकती है, इसलिए लिवर और किडनी की कोई बीमारी होने पर इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को बेस्टोजाइम सिरप या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को बेस्टोजाइम सिरप का सेवन नहीं करना चाहिए, और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं बेस्टोजाइम सिरप को ले सकती हैं या नहीं। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए
बेस्टोजाइम सिरप का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है और स्तनपान करा रही महिलाओं को भी डॉक्टर बेस्टोजाइम सिरप को लेने की सलाह तभी देते हैं जब बेस्टोजाइम सिरप का देना बहुत ही जरूरी हो। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को बेस्टोजाइम सिरप को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को बेस्टोजाइम सिरप को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका बेस्टोजाइम सिरप से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।